दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान रूप के एक और नए इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जी मेन एग्जाम है उसके बारे में, दो बात करने वाला हूँ बेसिकली। एक तो बात करूँगा बहुत ज़्यादा, मेरा पिछला जो मैंने वीडियो डाला तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो पूरा वीडियो नहीं देखते और कन्फ्यूजन में कमेंट करने लग जाते हैं, तो उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि 75% क्राइटेरिया का क्या कुछ होने वाला है। और दूसरा जो इसके डेट्स हैं, अभी जो डिले चल रहा है इसमें क्या कुछ जो है अपडेट अभी लेटेस्ट है। तो सबसे पहले अपडेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिक बात आपको ये समझना है कि इस बार से क्या है ना कि जो जो CBSE बोर्ड है और ICSE बोर्ड है, ये और बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी जो 12वीं के एग्ज़ाम है वो दो बार दो सेशंस में लेना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे CBSE की बात करें तो दिसंबर और एक मार्च और अप्रैल के बीच में सेशन इसका होना है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है इन एग्ज़ाम्स पे कि जो जी मेन के डेट्स हैं वो कैसे रखे जाए, क्योंकि जी मेन ऑलरेडी 4 बार होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके चारों ही सेशंस को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो अभी ऑलरेडी डिले चल रहा है, जो फेब का जी मेन का जो स्केड्यूल रहता है वो ऑलरेडी डिले चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो अभी ये फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा CBSE का, उसके बाद डेट्स आने के चांसेस हैं, यानी कि आपको जैन में डेट्स आने के चांसेस हैं। तो हो सकता है कि जो फेब का सेशन है वो मार्च में चला जाए, मार्च के मिड तक तो डेफिनेटली जाना है, मार्च फर्स्ट वीक या मार्च सेकंड वीक तक जाने के पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। फिलहाल तो यही अपडेट्स आ रहा है। वैसे NTA ने क्लियर कर दिया है कि ये जो डेट्स हैं ये इसी पे डिपेंड होगा कि बोर्ड्स एग्जाम कहाँ पे किस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग सेशन में हो रहा है और जी मेन भी 4 सेशन में कंडक्ट कराना है। और जब एक बार फेब का डिले हो गया उसके बाद मार्च का भी डिले होगा, अप्रैल का भी डिले होगा और मई का भी डिले होगा लास्ट ईयर, और अगर बीच में कोरोना के थर्ड वेव ने हिट कर दिया तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा चांसेस है कि एक ही सेशन का एग्जाम हो, बाकी एग्जाम जो डिले में चलता रहे और बहुत ही आगे जाके हो, जैसा इस बार करंट में हुआ। ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात करते हैं 75% क्राइटेरिया का। अभी आप ध्यान से सुनो, ये तो आधी बातें सुनते हो पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती है। तो अभी क्या है कि 75% का क्राइटेरिया इंडिविजुअली, ध्यान से सुनो, इंडिविजुअली 2020 में और 2021 में नोटिफिकेशन ला करके हटाया गया था। ऐसा नहीं है कि एक ही बार नोटिफिकेशन ला दिया कि अब से नहीं होगा, हर बार नोटिफिकेशन में क्लियरली था कि सिर्फ और सिर्फ इस बार नहीं होगा। तो 2020 में भी इंडिविजुअली नोटिफिकेशन के साथ हटाया गया था और 2021 में भी हटाया गया। हाँ, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2022 में भी वो हट जाए कोरोना को देखते हुए, लेकिन अभी तक नहीं हटा। दैट मीन्स कि 20 में 20 के लिए हटा था, 21 में 21 के लिए हटा, तो 22 में भी 22 के लिए हटेगा, लेकिन तब तक नहीं हटा मान सकते जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। और अभी NTA का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, दैट मीन्स 75% का क्राइटेरिया जो वो अप्लाइड है, एक बात। अभी दूसरी बात इसमें क्या है कि 75% PCM में नहीं है। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि PCM में 75% नहीं है, ये आपके क्लास 12th में एग्रीगेट 75% मार्क्स की जरूरत होती है। और तीसरी बात ये कि जी मेन का फॉर्म भरने के लिए आपको किसी तरीके के कोई परसेंटाइल की जरूरत या परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे अपीयरिंग कैंडिडेट भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो 75% का क्राइटेरिया था ये एडमिशन के वक्त निकल के आता था NIT जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि आप जी मेन का फॉर्म भर सकते हैं, आपका कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि आपके इतना परसेंटेज होना ही होना चाहिए। और जो 75% का क्राइटेरिया है वो एडमिशन के वक्त रिक्वायर्ड होता था, अभी के वक्त नहीं, और ये इस बार से फिर रिक्वायर्ड रहेगा अगर जब तक नोटिफिकेशन ला करके इसको कैंसिल नहीं किया जाता है। तब तक तो ये चल ही रहा है, यानी कि 2022 में ये अप्लाइड है, ये आपको ध्यान रखना है, जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए 2022 के लिए। और जी मेन फॉर्म भरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के वक्त काम आता है, वो भी NIT जैसे कॉलेजेस के लिए। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के ये जो दो डॉट्स थे डेट से रिगार्डिंग और 75% क्राइटेरिया से रिगार्डिंग क्लियर कर दिया। फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।